नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा काना बघेल आपके अपने चैनल काना सर ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना की वजह से आंकड़ा 12 लाख को पार कर चुका है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। देश लॉकडाउन में रहा, लेकिन अब हमारा देश अनलॉक में चल रहा है, फिर भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, अभी 3-4 दिनों की आंकड़े को देखा जाए तो कोरोना के 40,000 के आसपास डेली की केस आ रहे हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा। जी हाँ, ये एक सत्य है कि अभी 40,000 के आसपास के आंकड़ा दर्शाए जा रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है ये आंकड़ा आने वाले समय में और बढ़ सकता है। लगातार संख्या कोरोना की बढ़ती जा रही है। भारत कोरोना के मामले में विश्व स्तर पर 3rd नंबर पर आ चुका है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल अपने स्वयं रखें। जी हाँ, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, अगर आपको कोई आवश्यक काम है, जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें, वरना अपने घर में ही रहें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना लगातार भारत पर अटैक कर रहा है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि कोरोना की वजह से गरीब, किसान, मजदूर, असहाय व्यापारी सबकी हालत पस्त हो गई है। जी हाँ, किसान हो या वो युवा हो, आजकल युवा भी बेरोजगार है। युवाओं को किसी भी तरह की नौकरी नहीं मिल पा रही है। जितनी भी नौकरी सरकार ने निकाली थी गवर्नमेंट की तरफ से, वो नौकरी के एग्जाम भी नहीं हो पाए। विद्यार्थियों ने फॉर्मों को फिल किया, 500,000 रुपये के खर्च करके फॉर्म को फिल किया गया, लेकिन अभी तक उनके एग्जाम नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें, यहीं तो छोड़िए, जो विद्यार्थी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी दिल्ली में थे, कुछ नोएडा के अंदर थे, और भी राज्य हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि और समस्त भारत के विद्यार्थी और समस्त भारत के युवा एक दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे थे और अपना घर का और अपना पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन आजकल वही युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह की नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिल रही है, क्योंकि देश में लॉकडाउन का माहौल बना हुआ है। अनलॉक 2, अनलॉक 1 चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी का समाधान नहीं हो पाया है। सरकार लगातार वादे पे वादे करती जा रही है कि हम लगातार अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में लगे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वहीं युवा आजकल बेरोजगार घूम रहा है। सरकार ने वादा किया, हमने देश को लॉकडाउन में रखा, लेकिन फिर भी हमने गरीब, असहाय, मजदूर लोगों को राशन मुहैया कराने का वादा किया, लेकिन वही अगर देखा जाए तो वही राशन की किटें जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रही हैं। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार एतमातुर विधानसभा तहसील में 2 महीने से राशन कार्ड की साइट को बंद कर दिया गया है, जबकि सरकार अपने वादे करती है कि हम गरीबों को राशन देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहीं सरकार द्वारा राशन कार्ड की साइट को बंद करना वास्तव में एक बड़ी ही चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। गरीब, असहाय, मजदूर लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक किसी का काम करके, डेली खेतीबाड़ी से काम करके अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, तो वहीं अगर देखा जाए तो किसान व्यक्ति को भी किसानों से कोई आमदनी का खेती से लाभ नहीं मिल पा रहा है। या वो उनके बाजरे की फसल हो या वो उनके आलू हो, आप अभी देख पा रहे होंगे बाजरे का रेट भी 1,000 के आसपास चल रहा है, जबकि बाजरे की रेट अगर देखा जाए कोरोना अपडेट से पहले तो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरे की खरीदारी की जा रही थी। साथियों, ये बात कोरोना की थी। हम आपको एक जानकारी के लिए और बता दें कि सरकार ने कहा था कि जो भी मजदूर बाहर नौकरी करने गए हैं, उनके जो किराए पे रहते हैं उनके मकान मालिक उनसे किराया नहीं लेंगे, लेकिन आजकल आप देख पा रहे हैं वही मकान मालिक लगातार बेरोजगार व्यक्तियों से किराया वसूल कर रहे हैं। फिर भी देश में लॉकडाउन चला, देश में अनलॉक चला, अब भी अनलॉक चल रहा है,
लेकिन लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, फिर भी सरकार इस पर गौर नहीं दे रही है कि हमें अब भी लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का तो मानना है कि सरकार ने अभी एक हफ्ते में 2 दिन का लॉकडाउन शनिवार और रविवार का लगाने का ऐलान किया है। इस लोगों की समझ में ही नहीं आता है क्या कोरोना शनिवार और रविवार को आता है, जबकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसके बाद भी 5 दिन कोरोना नहीं आता, लेकिन शनिवार और रविवार को कोरोना दस्तक दे देता है। वास्तव में लोगों के साथ में छलावा कह सकते हैं, सरकार इस पर खरी नहीं उतर पाई है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, सरकार खरी न उतरे, लेकिन हमको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, जब ही हम अपने भारत को एक नए मंच पर आने के प्रयास में लाएंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कोरोना को लेकर के, आप सभी अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और आराम से रहें। अगर आपको हर वीडियो और हर अपडेट चाहिए हमारे चैनल पर सबसे पहले, तो आप अपने YouTube पर जाइए और सर्च करिए काना सर ऑफिशियल और उसे सब्सक्राइब करके आप हमारी हर वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।